हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द रिव्यू गाय। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे हॉट टॉपिक के बारे में जिसने बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस के साथ साथ देश भर में भी तहलका मचाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे द केरला स्टोरी के बारे में। तो इस मूवी को लेकर बहुत से ऐसे सवाल उठे हैं जो कईयों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और इस वीडियो का बनाने का हमारा मेन मकसद यही है कि हम उन सभी सवालों को एक वैलिड प्रूफ के साथ आपके सामने रख पाएं कि और बता पाएं कि वो कितने सच हैं और कितने झूठ हैं। तो बात की जाए अगर मूवी की, तो मूवी का जो स्टार्टिंग सीन है वो स्टार्टिंग होता है एक सेल से। ठीक है, एक सेल होती है, फॉरेन कंट्री में एक सेल है जहाँ पे ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन को रखा जाता है। तो वहाँ पे स्टार्ट होती है और फातिमा बा होती है वहाँ पे, जो कन्वर्ट हुई होती है शालिनी उन्नी कृष्णन से, उसको वहाँ पे लेके आते हैं, उसको रखा जाता है और वो वहाँ पे अपना कन्फेशन करती है। कन्फेश वो करती है कि कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें कन्वर्ट कराया जाता है, कैसे उनके धर्म के प्रति, उनके भगवान के प्रति, उनके घर वालों के प्रति उनके मन में इतना जहर भर दिया जाता है ताकि वो मजबूर हो जाती हैं कि अपना धर्म कन्वर्ट कर सके। तो जो मूवी है वो इन सभी चीज़ों पर घूम रही है। तो सबसे पहली बात जो मैं तुम्हें बताऊँ कि यार, अगर कोई चीज़ सुर्खियों में है ना, कोई चीज़ हाईलाइट हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि 100% गलत होगी। ठीक है, उसमें से 10 या 20% ऐसा त्रुट होगा जो बिल्कुल वैलिड पॉइंट के साथ बिल्कुल सच होगा। तो मैं कोशिश करूँगा उन सच को आपके सामने लेके आने की। तो अगर बात की जाए केरला की, तो केरला जो है सबसे डेवलप्ड स्टेट है हमारी कंट्री का। अराउंड 94% वहाँ का जो लिटरेसी रेट है, कहने का मतलब ये है कि वहाँ के जो 94% लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। तो यार, जब वहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे हैं तो इन सब चीज़ों में वो क्यों जा रहे हैं, क्यों अपना मन सब उसी चीज़ों में लगा रहे हैं, तो इस चीज़ को सोच के यार बहुत अजीब सा लगता है। देखो यार, हमारे संविधान ने हमें बहुत आज़ादी दी है कहीं भी घूमने की, कुछ भी खाने की, कुछ भी पहनने की, पर इस चीज़ को हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, लोग हैं जो इन चीज़ों को बहुत नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं। तो मैं उन सब से यही कहूँगा कि यार सोचो समझो, और ऐसे स्कैम्स में फंसने से पहले बहुत बार सोचो, अपने घर वालों की राय लो, घर वालों के साथ बैठो, क्योंकि यार जो उन्हें तजुर्बा है ना वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि यार कोई तुम्हें खाना और जहर खिलाने के लिए उकसा सकता है, ठीक है, पर वो खाना ना खाना वो आप पे निर्भर करता है। इस मूवी में दिखाए गए बहुत से ऐसे सीन्स हैं जो हमारी रियल लाइफ में भी हो रहे हैं। मतलब एक शालिनी उन्नी कृष्णन नाम की लड़की को कन्वर्ट कराया जाता है, उसका नाम चेंज कराया जाता है और उसको फॉरेन कंट्री लेके जाया जाता है। फिर उसको फोर्स किया जाता है कि भाई तू ये कम्युनिटी ज्वाइन कर, टेररिस्ट कम्युनिटी ज्वाइन कर, ठीक है, और उसके मना करने के बाद उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है और उसको मतलब प्रोस्टिट्यूट बनाने का भी प्रयास किया जाता है। मतलब शालिनी ही नहीं, ऐसी हजारों पता नहीं कितनी लड़कियां होंगी जो अभी तक सामने ही नहीं आई हैं या मार दी जाती हैं शालिनी उन्नी कृष्णन उर्फ फातिमा बा उर्फ निमिषा। निमिषा इज़ द रियल नेम ऑफ डेट गर्ल, ठीक है, जिस पे ये पूरी मूवी बनी हुई है। ठीक है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि उनके साथ इतना कुछ किया गया है, मतलब इतना बुरा किया गया है कि वो आपको बता भी नहीं सकते। उन्होंने ये बताया है कि उनके साथ हर वो बुरी चीज़ करी गई है जो इंसान किसी के साथ करने की सोच भी नहीं सकता। मतलब आप समझ सकते हो कि वो कितने हैवान लोग होंगे जिन्होंने उनके साथ ये सब चीज़ें करी गई हैं। तो यार इन सब चीज़ों में सही गलत बताने का हमारा कोई वो नहीं बनता, पर हम इतना कहेंगे कि यार अगर किसी के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो वो पहली तो बात अपना दिमाग लगाएं, समझें, सोचें, अपने घर वालों से बात करें, क्योंकि यार ये चीज़ें कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री में कोई ना कोई लड़की फंस रही है। ठीक है, और ये किसी धर्म के प्रति कोई हमारा भेदभाव नहीं है, बल्कि ये जो सच्चाई है, ये जो फैक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है, उनसे पता चल रहा है। क्योंकि हर दिन हर एक नया एक ऐसा केस आता है जिसमें हमें पता चलता है कि हाँ भाई, इस लड़की के साथ ऐसा हो गया, इस लड़की के साथ ऐसा हो गया। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जिन भाइयों को ये मूवी में कुछ गलत लग रहा है या उन्हें लग रहा है कि ये मूवी उनकी भावनाओं को, उनके धर्म को ठेस पहुँचा रही है, तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि भाई एक बार धर्म को पीछे रख के इंसानियत के नाम पे सोच के देखिए कि जो ये हमारे देश में चल रहा है क्या ये सच में सही है या नहीं।
इस सब का फैसला आपको करना है। मैं सिर्फ आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दे पाया हूँ, तो मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो या मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाया हो तो मुझे माफ़ करना। पर मैं सबको लास्ट में यही मैसेज दूंगा कि भाई जिनको भी ये वीडियो गलत लग रही है, ठीक है, ये मूवी में थोड़ी सी भी गलती लग रही है, तो प्लीज़ एक बार इंसानियत के नाम पे सोच के देखिए कि ये जो चीज़ हमारे देश में चल रही है, क्या ये हमारी बहू बेटियों के लिए ठीक है या नहीं। ये सब मैं आप पे छोड़ता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।